नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको फ्री DTH डिश के बारे में। यदि हमारा कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो हमें क्या काम करना है। जब हम टीवी पर देखते हैं तो टीवी पर कोई भी सिग्नल नहीं दिखाता है, नो सिग्नल दिखाता है, तो हमें इसमें क्या करना है इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक छोटी सी ट्रिक, एकदम फ्री में आपका DTH चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जाए। और ये देखिए चैनल तो दिखाता है कि ये हमारा 57 चैनल चल रहा है, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, दिखा रहा है नो सिग्नल। तो नो सिग्नल के बारे में हम बताएंगे क्या होता है। आपको डिश नहीं छेड़नी है, आपको ऊपर की डिश नहीं हिलानी है, वायर भी नहीं खराब है, ये सब बाद की बात है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चीज चेक करेंगे, देखिए ये हमारा बॉक्स है, हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए ये हम इसको खोल लेते हैं। ये पीसीबी है तो हमें इसको यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ये प्यार से ये यहाँ से कनेक्टर निकाल लेते हैं। ये कनेक्टर निकाल लिया है और इसका भी हम ये कनेक्टर निकाल लेते हैं। ये हमने कनेक्टर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली पीसीबी बाहर निकालनी है और बाहर निकालने के बाद हम इसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या कमी है। तो खोल लेंगे, ये हमारे ये निकल गए हैं। ये हमने ये भी निकाल दी है। ये हमारी DTH का मदरबोर्ड है। ये देखिए इसमें ये वाली बड़ी आईसी, छोटी आईसी, ये पूरा इसमें पूरा कंट्रोलर है। ये हमारी ऑडियो वीडियो, हमारी RF की है इनपुट और ये मेरी आउटपुट। तो दोस्तों इसमें जो सिग्नल नहीं आता है क्या प्रॉब्लम होती है, ये देखिए जब हम इस पिन को इसमें यहां कनेक्टर लगाते हैं तो ये वाली पिन यहां से अंदर से यहां से ये कभी तो यहां से टूट जाती है और कभी ये यहां से लूज हो जाती है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो पिन है यहां से ये लूज हो गई है और इसका ये ट्रैक फट गया है, ये ड्राई सोल्डिंग हो गई है। बस यही हमारी इसकी प्रॉब्लम होती है। जब हमारा कोई सिग्नल नहीं आता है नो सिग्नल में तो हम यहाँ इसको सोल्डर कर देंगे। ये सोल्डर है, सोल्डर करने के लिए हमें पेस्ट लगाना बहुत जरूरी है जिससे ड्राई सोल्डिंग ना हो और सोल्डर अच्छी तरीके से करें। यदि और कोई प्रॉब्लम आती है, ये हमारी ठीक होती है तो हमें केबल की इनपुट जो यहाँ कनेक्टर लगाते हैं यहां से देख लेना चाहिए। कभी कभी कनेक्टर इसका इनपुट वाली भी वो टूट जाती है और LNB हमें लास्ट में छेड़नी चाहिए, डिस्को हमें लास्ट में हिलाना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा यहाँ कनेक्टर है, ये वाला इसकी ये कनेक्टर है और एक ये वाला और एक ये दोनों की ये कनेक्टर, हम इनको सोल्डर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने पेस्ट लगा लिया है, देखिए बस ये सोल्डर करना होता है। सोल्डर बढ़िया करके करें जिससे पूरा हीट हो जाए, ये ड्राई सोल्डिंग हो जाता है। और कभी कभी दूसरी भी चीज दिखा दें हम, इसमें भी ड्राई सोल्डिंग हो जाता है। हमारा सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है तब कनेक्टर नहीं बनता। तो ये जो हमारी ये वाली पिन है, ये वाली पिन भी हमारी ड्राई हो जाती है। इसमें और ज्यादातर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं, जब आया कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये वाली पिन है और इसकी ये ऑडियो वीडियो की ये जो पिन है हमारी, यहां से इसमें डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये ड्राई सोल्डिंग हो जाते हैं। हम इसको भी सोल्डर कर देते हैं, इन पे भी पेस्ट लगा के उनको भी ठीक कर देते हैं जिससे कोई बाद में दिक्कत ही ना आए, हमें चेक करने का इस तरह का मौका ही ना रहे। ये देखो मैं आशा करता हूं हमारी ये ठीक हो गई है, क्योंकि ये ड्राई सोल्डिंग था, अब सिग्नल आ जाएगा और ये चल जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हम इसको अब बंद कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको बाद में चेक करेंगे, ले जाके यहां वहां टीवी पर ही इसको हम चेक करेंगे।
ये देखिए बस हमें इसको ऐसे लगाना है, इसमें ये हमारी एकदम फ्री में ठीक हो जाती है और ये बड़ा आसान है। इसको आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। 35-35 रुपए का ये सोल्डिंग आयरन लेना है और ये सारा काम आप अपने घर पर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा आपको क्या करना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो TTH में या एयरटेल में या कोई भी आपका सेटअप बॉक्स वगैरह हो तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा फिट हो गया है। इसके बाद यहाँ से ये इस टाइप से जैसे हमने कनेक्टर निकाला था ऐसे ही हम इसका ये कनेक्टर फिर दोबारा से लगा देते हैं। ये देखिए हमने कनेक्टर लगा दिया है और ये वाला भी कनेक्टर, इसमें उल्टा तो नहीं लगता, ये भी उल्टा नहीं लगेगा। यहाँ ये देखिए इधर इस साइड में जिधर ये होता है यहाँ ऐसे लगाते हैं, ये हमने लगा दिया है, ये फिट हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ये कवर इस टाइप से कवर लगा देते हैं, कवर लगा दिया है। ये दो पेंच है, ये दो पेंच लगा देंगे। एक बार हम इसको पहले चला के देख लेते हैं। दोस्तों ये हमने एक बार चला के फिर देख लिया है, ये हमारा ऑन हो गया है। अब लास्ट में हम इसको टीवी पर ही चलाकर देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर लें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।